ये जो सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीएम सिटी करनाल के विजयनगर की हैं, जहां शातिर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और 10 तोले सोना और 15 तोले चांदी पर सेंध मारी और रफू चक्कर हो गए। पीड़ित परिवार के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जब चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया तो वो घर से बाहर गए हुए थे। विजयनगर में कल घर के सारे 9 बजे कुरुक्षेत्र गए थे किसी प्रोग्राम में और मेरी चार चमड़े में दुकान है और 10 बजे मैं दुकान पे चला गया, चाबी साथ ले गया, इनके घर चाबी दे गया था। उसके बाद फिर रात को जब मैं 8:30 बजे दुकान क्लोज करके आया हूँ तो उस टाइम फिर ये सारा बिखरा सामान देख कर फिर मैं बाहर चला गया। फिर मैंने पड़ोसियों को बुलाया तो पड़ोसियों को आने के बाद फिर मैंने 112 पे डायल नंबर पे कॉल किया, उसके बाद फिर पुलिस आई रात को। क्या क्या ले गए सर? सोना था, मेरी माताजी का था, वो एक्सपायर हो गए थे तो उनका सारा सोना यहीं पे पड़ा था। भाभी है ऊपर रहते हैं तो उनका भी सोना हमारे पास ही पड़ा था। 10-12 तोले सोना था और चांदी थी तकरीबन 15 तोले के आसपास चांदी होगी, इससे ज्यादा ही होगी, और 1.5-2 लाख के पास नकदी पड़ी हुई थी। तो कुछ पता चला है सीसीटीवी में? कुछ सीसीटीवी में आ रहे हैं, फुटेज आई है लेकिन अभी पहचान नहीं हुई कौन बंदे हैं। कितने युवक दिख रहे हैं? तीन बंदे हैं, जैन गाड़ी है PB10 नंबर, अच्छा, तो व्हाइट कलर की, इधर ऊपर से घूम के आई यहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद एक बंदा आया पहले ड्राइवर साइड में से, उसने ताला तोड़ा है, ताला तोड़ने के बाद फिर दोबारा दो बंदे जो पीछे सीट पे बैठे हैं, फिर वो आया 2 मिनट बाद, वो आके अंदर सिर्फ 8 मिनट की वारदात करके वो फरार हो गए। 8 मिनट 12:42 दोपहर 12:42 12:42 गुड़िया की दवाई लेने के लिए तो सुबह 9:30 बजे गए हैं, साथ वाले को चाबी दे के दूध का पतीला दे के दे गए कि हम आ जाएंगे। तो वैसे हर बार दे के जाते हैं तो कुछ नहीं होता, वैसे पर 12:15 बजे के देखा फुटेज में 12:15 बजे के बत्तू है, चार उसमें जैन गाड़ी है, चार आदमी उतरे हैं, एक ने पहले उतर के ड्राइवर ने अभी उसने ताला तोड़ा, फिर उठ जाकर बैठ गया, फिर दो उतरे हैं वो अंदर आए हैं, 8 मिनट में सारा काम करके चले गए। क्या क्या ले गए? सोना था मेरी सास का था सारा, वो मेरा था वो ले गया, चांदी थी नकदी था वो ले गया, बाकी और अंदर से तो कपड़े कुपड़े कुछ कुछ देखा, सोना सारा ले गया। 8 मिनट में ले गए? 8 मिनट में, फुटेज में आया और कैमरे में 8 मिनट में अंदर आए, जितनी देर में बाहर निकले 8 मिनट लगे उनको। मेरे जाने के बाद 12:42 की घटना है जी, फुटेज में 8 मिनट का सारा व्याख्या जी। हमारे यहाँ आज तक पहली बार ऐसा सारा सुहा कभी भी चोरी नहीं हुई हमारे पड़ोस में। वो कलियर है, आपको फुटेज भी दिखाएंगे सर, उसको देख सकते हो आप, कलियर 8 मिनट का वाक्य। मैं आध घंटा पहले गया हूँ, 12 बजे करीब तो मैं गया हूँ गाड़ी लेके, मेरे जाने के बाद 12:42 पे घटना दिन का वाक्य। मिली जानकारी के अनुसार दरअसल पूरा परिवार करनाल से कुरुक्षेत्र गया हुआ था और परिवार के एक सदस्य की मोबाइल की दुकान है, वो अपनी दुकान पर था। दोपहर 12:30 पर चोर आते हैं, घर के आसपास की स्थिति को भांपते हैं और फिर एक चोर गाड़ी से उतर घर के दरवाजे को औजार से तोड़ता है और फिर वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद दो चोर गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर घुसते हैं। जब चोर घर के अंदर घुसे तब घड़ी में वक्त था 12:45 और उसके बाद 8 मिनट की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और चोर 8 मिनट के करीब 2 लाख रुपए कैश, 10 तोला सोना और 15 तोला चांदी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वारदात सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो जाती है, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल परिवार ने पाई पाई जोड़कर मेहनत से इतना सामान जोड़ा था लेकिन चोर महज 8 मिनट में ही घर साफ करके फरार हो गए। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।